महाकाल की नगरी उज्जैन में हजारों साल बाद भी गुरु और शिष्य की परंपरा जीवित है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में आज भी विद्यार्थी गुरु सांदीपनी आश्रम पहुंचकर 3 मंत्र ग्रहण करते हैं। आश्रम के पुजारी रूपम व्यास द्वारा इस परंपरा का निर्वाह आज भी किया जा रहा है। मान्यता है कि जो भी छात्र छात्रा शिक्षा में उपलब्धि हासिल करना चाहता है या जिस छात्र छात्रा को पढ़ने लिखने में दिक्कत पेश आ रही हो तो वो गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाकर अगर संकल्प लेता है तो उसकी शिक्षा दीक्षा उत्तम होगी। ऐसे छात्र छात्राओं को गुरु सांदीपनी के आश्रम में आकर सर्वेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के बाद मंदिर के पुजारी छात्र छात्राओं को 3 मंदिरों का जाप करवाते हैं और उन मंत्रों को स्मरण करवाते हैं। उन मंत्रों को याद करवाने के साथ साथ आश्रम की परिक्रमा दिलवाई जाती है, जिससे छात्र छात्राएं अपने शिक्षा का स्तर बढ़ाने में सफल हो देश विदेश में रोशन करने के काबिल बन सके। संदीपनी आश्रम में ये परंपरा आज भी जीवित है। मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्या आरंभ संस्कार हुआ था। श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ ये परंपरा आज भी जीवित है और बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार में 3 मंत्र लिखवाए जाते हैं। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। महाकाल की नगरी उज्जैन में हजारों साल बाद भी गुरु और शिष्य की परंपरा जीवित है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में आज भी विद्यार्थी गुरु सांदीपनी आश्रम पहुंचकर 3 मंत्र ग्रहण करते हैं। आश्रम के पुजारी रूपम व्यास द्वारा इस परंपरा का निर्वाह आज भी किया जा रहा है। मान्यता है कि जो भी छात्र छात्रा शिक्षा में उपलब्धि हासिल करना चाहता है या जिस छात्र छात्रा को पढ़ने लिखने में दिक्कत पेश आ रही हो तो वो गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाकर अगर संकल्प लेता है तो उसकी शिक्षा दीक्षा उत्तम होगी। ऐसे छात्र छात्राओं को गुरु सांदीपनी के आश्रम में आकर सर्वेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के बाद मंदिर के पुजारी छात्र छात्राओं को 3 मंदिरों का जाप करवाते हैं और उन मंत्रों को स्मरण करवाते हैं। उन मंत्रों को याद करवाने के साथ साथ आश्रम की परिक्रमा दिलवाई जाती है, जिससे छात्र छात्राएं अपने शिक्षा का स्तर बढ़ाने में सफल हो देश विदेश में रोशन करने के काबिल बन सके। संदीपनी आश्रम में ये परंपरा आज भी जीवित है। मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्या आरंभ संस्कार हुआ था। श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ ये परंपरा आज भी जीवित है और बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार में 3 मंत्र लिखवाए जाते हैं। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।